अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ ओएस रज़ा नूरी, आपको एक रुला देने वाली ख़बर बताने के लिए जा रहा हूँ। ये ख़बर आ रही है कि छोछा शरीफ की सरजमीन से। इस ख़बर को आप पूरा सुने और इसे आगे तक लाजमी शेयर करें। ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफुल जीलानी साहब क़िबला लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद की हकीकी भांजी हुजूर सैयद ताजुल उलमा की फूफी सैयद शादाब अशरफी की वालदा डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ की बहन सैयदा महमूदा खातून का विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला सैयदा साहब क़िबला के दराजात को बुलंद अता फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला सैयदा साहब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाएँ, और बिलखुसूस दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उस पर अजर अजीम अता फरमाए। आपको मैं बता दूँ, ये इंतकाल जो हुआ तो ये 20 तारीख में इंतकाल हुआ और इनकी तदफीन 21 तारीख में होगी जोहर की नमाज के बाद। और इनकी जो ये दफन होना है इनका, वो किछोछा मुकद्दसा में होगा। आप तमामी हजरात से बिलखसूस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप तमामी लोग सैयदा साहब के लिए दुआ करें, बिलखसूस के अल्लाह तबारक व ताला उनके दराजात को बुलंदता फरमाएं। क्योंकि देखिए, आए दिन हम ये ख़बर सुन रहे हैं कि आज फुला चले गए, आज फुला सैयद चले गए। इसी तरीके से हमें भी जाना है, तो इसीलिए आप तमाम ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। और जो कुरान मजीद की तिलावत करें वो कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह वो बता सकता है कितनी किसने तिलावत की है। इंशाल्लाह जब दुआ की जाएगी तो वो भी पेश कर दी जाएगी। यकीनन आप जो ये ख़बर सुन रहे हैं, ये किछोछा शरीफ की सरजमीन से ये ख़बर है। बहुत बड़ी वो हस्ती के जो इनका मज़ार शरीफ किछोछा शरीफ की सरजमीन पर मौजूद है, जिनके मज़ार शरीफ पर हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इसीलिए आप तमामी लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला की छोछा मुकद्दसा के सरजमीन पर जितने भी सैयद हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी उम्र दराज अता फरमाए।